ज्यादा देर नहीं करना, बस कहना ये है कि दूसरों को ब्लेम करने से आए हमें अपने आप के अंदर जागना चाहिए, हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमने अपने कौम के लिए क्या किया है। जबकि हैसियत मुसलमान इंडिया में, भारत में बहुत से मुसलमान हैं, हमसे ज़्यादा है, और वो उनकी इकानमी के लिए जदोजहद करते हैं और फेयरली काम करते हैं, जबकि हम तमाम अनफेयर मीन्स पे चलते हैं। दूसरों को धोखा देना ये हमारा काम है, इसलिए हम सबसे पीछे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। रही बात फलस्तीनियों की, इसराइल की, तो यहूदियों ने जिस वक्त मिसाक़ मदीना किया नबी पाक के साथ, तो वो बात आज तक नहीं कि उन्होंने वहाँ वो वादा तोड़ा। उसके बाद आज तक दिल में रखी और हमारी जहाँ भी उनको मौका मिला है हमें मोहताज ही बनाया है। हर जगह हम उनके मोहताज हैं, यूएस के मोहताज हैं, वर्ल्ड बैंक के मोहताज हैं, अपने पाँव पे खड़े होने का हमने कभी सोचा ही नहीं। तो चाहिए ये कि हम अपने आप को हर मैदान में तैयार रखें। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित होता है कि हमें ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। बस ये बच्चों, आपने तो अभी ये दौर देखा है, हमने वो दौर भी देखे हैं कि जिस दौर में ये तमाम सहूलियात नहीं थी और बड़ा मुश्किल से ये मुल्क आदमी ने हासिल किया है। और कश्मीर पे बस बाना कब्जा किए हुए अब 75 साल तकरीबन होने गए हैं, और फलस्तीनी पे जुल्म डालते हुए भी 67 के बाद ये इसराइल ने बहुत मुजालिम लाए, और आज का जो हो रहा है ये कोई जिंदा दिल इंसान नहीं देख सकता। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। कल खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी ये हो सकता है। अभी एक वहाँ पे एक औरत का इंटरव्यू था कि 5-6 घंटे उनको सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये अब खुद तसव्वुर कर लें कि कितनी मुश्किल में वो लोग हैं। बस इसके लिए दुआ भी करें, और खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा।